सो हेलो गाइस, और आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसी इंडस्ट्री की जो कि हॉलीवुड और बॉलीवुड को पीछे छोड़ दिया है। मैं बात कर रहा हूँ पॉर्न इंडस्ट्री की। और आज की जनरेशन से ही 11 साल के लड़के और लड़कियां पॉर्न देखने लगे हैं। मतलब कि देखो यार, पॉर्न देखना कोई बुरी बात नहीं है, किसी चीज़ की भी एक लिमिट होती है, एक हद होती है, उससे आगे जाओगे तो हमेशा पहले जाओगे। और ये बात तो तुम्हें भी पता है कि इंडिया में पॉर्न बैन हो गया है, फिर भी लड़के इतने चालाक होते हैं कि भैया क्विक वीपीएन, पता नहीं कैसे कैसे वीपीएन से पॉर्न डाउनलोड करके देख लेते हैं। और भैया अभी भी कुछ वेबसाइट ऐसी बची है जो कि अभी तक बैन नहीं हुई है। लेकिन देखो यार, इंडिया में कुछ लोग, मतलब जो वेबसाइट बैन हो चुकी है वो तो यार वीपीएन लगा के लोग देख ही लेते हैं। एक्चुअली देखो, गलती हम लोग की नहीं है, गलती है इंडिया के सिस्टम की। अब देखो यार, बुक में चैप्टर क्लास 8 और क्लास 10 में रिप्रोडक्शन मेंशन तो होता है, लेकिन कोई ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ही नहीं होता। टीचर तक साला पढ़ाने में शर्माते हैं। मतलब कि यार, जो चीज़ इतनी ज़रूरी है उसको वो लोग पढ़ाने में शर्माते हैं, और भैया उसी चैप्टर का टॉपिक ऐसे स्किप करते हैं कि भैया क्या ही हो रहा है। तो देखो लॉन्डो, ये बात तो तुम्हें भी पता है कि किसी भी चीज़ की एडवांटेज होती है और किसी भी चीज़ की डिसएडवांटेज भी होती है। तो पॉर्न के भी कुछ एडवांटेज होते हैं, वो मैं तुम्हें अभी आगे बताऊंगा। तो देखो यार, तुम्हें तो ये बात पता ही है कि इंडिया के अंदर सेक्स एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा शर्मा के पढ़ाया जाता है, बुकों में मेंशन होता है, फिर भी ढंग से पढ़ाया नहीं जाता, और इसीलिए हम लोग के दिमाग में उतना ज्ञान रहता नहीं है। तो तुम लोग पॉर्न देख सकते हो और समझ सकते हो कि यहाँ चीज़ें होती कैसी है, सेक्स होता कैसे है, उसमें कितने टाइप के पोजीशन होते हैं। यहाँ तक कि इंडिया में से बहुत सारे प्राचीन मंदिर है जहाँ पर भैया सेक्स के पोजीशन मेंशन है। मतलब कि इंडिया में ये चीज़ कोई बुरी बात नहीं है, बहुत पहले से चली आ रही है, पर पता नहीं आज की जनरेशन इसको बहुत ज़्यादा प्राइवेट कर दी है। मतलब कि भाई सड़क पे ऐसे बोलने में भी शर्माते हैं। तो भैया देखो, अभी ये थी कुछ एडवांटेज मैंने तुमको पॉर्न की बताई, लेकिन देखो पॉर्न की उतना ज़्यादा कोई एडवांटेज नहीं है। पॉर्न का बस एक ही एडवांटेज है कि हाँ, तुम चीज़ें सीख सकते हो, समझ सकते हो कि सेक्स होता कैसे है, लेकिन देखो इसको भी एकदम लिमिट में करना, पॉर्न बहुत ही लिमिट में देखना, अनलिमिटेड मत जाना, क्योंकि इंडिया में भैया अनलिमिटेड जो नेट मिलता है, क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री जहाँ पर इंटरनेट बहुत ही ज़्यादा सस्ता है और लोग इसी का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो भैया ये तो थे कुछ पॉर्न के एडवांटेज। अब भैया पॉर्न के जितने एडवांटेज है उससे ज़्यादा तो उसके डिसएडवांटेज हैं। भैया मतलब इतना ज़्यादा उसका डिसएडवांटेज है, वो मैं तुम्हें एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल डाउन हो जाएगा, तुम्हें हमेशा तुम्हारे टाइम हमेशा तुम्हारे दिमाग में 24 घंटे यही चीज़ घूमती रहेगी। तुम पब्लिक प्लेस में कुछ अच्छे से बोल नहीं पाओगे, अगर तुम्हें पूरी पब्लिक दिखेगी, उसके सामने तुम्हें एक स्पीच भी देना है तो तुम बहुत ज़्यादा हिचकिचाओगे। तीसरी चीज़ भैया, तुम्हारा शरीर अंदर से खोखला होता जाएगा और एनर्जी की बहुत ही ज़्यादा कमी पड़ने लगेगी। और बहुत सारे चीज़ें हैं, तुम इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हो इसके डिसएडवांटेज क्या हैं, तुम्हें वो इंटरनेट पे भी मिल जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ भैया, इसके एडवांटेज बहुत कम हैं, डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा हैं, तो इसीलिए इसको लिमिटेड में देखो, लिमिट में देखो, अनलिमिटेड मत देखो, क्योंकि ओवर इज इक्वल टू गोबर, ये बात तो तुम्हें भी पता है। तो भैया देखो, अगर तुम बहुत ज़्यादा पॉर्न देखोगे तो भैया 24 घंटे तुम्हारे दिमाग में यही सब चीज़ चलती रहेगी, और यही सब चीज़ों की वजह से रेप केस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जैसे कि एक एग्जांपल से समझो, मान लो एक लड़के ने एक लौंडिया को देखा, उसका मुन्ना भैया खड़ा हो गया, और फिर अब वो उसको ना मतलब ऐसी गंदी नज़र से देखेगा जैसे कि उसको, मतलब उसको अब उसके साथ सेक्स करने का मन करने लगेगा। ओए होए, क्या गांड है, ओए कितनी सोड़ी लग रही है, एक बार उसके साथ एक रात बिता लूँ। फिर वो इसके आगे करते करते उसके साथ ज़बरदस्ती करेगा, मना करने के बाद वो उसके साथ क्या ही कुछ कर डालेगा। तो इसीलिए यार देखो, इसके मतलब इससे रेप केस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। सबसे लास्ट पॉइंट, अब भैया ये तो बात तुम्हें पता है, अगर तुम पॉर्न देखते हो तो तुम्हारे शरीर में खुजली मचने लगती है, अंदर से बिजली दौड़ने लगती है, और तुम्हारा मन करता है मास्टरबेट करने का। तो भैया देखो इसीलिए, और जितना ज़्यादा पॉर्न देखोगे उतना ज़्यादा होता है मास्टरबेशन। तो देखो मास्टरबेशन के भी बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं, लेकिन अगर तुम मास्टरबेशन छोड़ देते हो तो तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी। देखो सबसे पहली चीज़, जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन जा रहा था वो बिल्कुल ऊपर उठ जाएगा, और इतना ऊपर उठ जाएगा कि जो कि ड्रग्स लेने के बाद भी नहीं होता। तुमको पब्लिक में बोलने में शर्म आएगी नहीं, और भैया हर लड़की लड़कियां हर लड़की तुम्हारे लिए बिल्कुल बहन के समान हो जाएगी, और मतलब जो लड़कियों से बात करने में फटेगी तुम्हारी, वो ऐसा कुछ होगा नहीं। बहुत सारे मास्टरबेशन छोड़ने के एडवांटेज हैं, तुम्हारी बिल्कुल लाइफ चेंज हो जाएगी, और जो शरीर तुम्हारा अंदर से गल रहा है, खोखला हो रहा है, वो धीरे धीरे बच जाएगा, और
इसीलिए तुम देखो जो भी जेम वेम करते हैं वो उतना मास्टरबेशन करते, वो मास्टरबेशन करते ही नहीं हैं, और तुम्हें भी नहीं करना चाहिए। तो बस यार आज के लिए इतना ही। तुम्हें वीडियो कैसी लगी कमेंट में बता देना, और मिलते हैं एक और अगले वीडियो में।